सुंदरलाल शर्मा के अतिरिक्त नारायण राव मेघावाले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, मोहम्मद अब्दुल रऊफ, भगवती प्रसाद मिश्र को भी गिरफ्तार किया गया। जा बेटा, देश की रक्षा कर, भारत माँ की रक्षा कर, मोर कोख धन्य हो जाए बेटा। काके, आज मैं जेल नहीं जावा था, भगवान कृष्ण के जन्म धाम जावा था। वंदे मातरम। चलिए। राम राम, राम राम, राम राम, आ गए होगा। हाँ, आज मैं हाँ तुमल्ला अंग्रेज सरकार के जो उल्टा सीधा हरकत करा थे तेने ला बताए भर बुलाए हूँ। सुनो ध्यान से और समझो। हमन तो अनपढ़ गवान तान गोटिया, अब हमन का जानबो, अब आवन जैसे कहूँ वैसे करबो। ये बात ठीक है ना? तो सुनो, ये नहर से हमार गांव वाला मल्ला हमला कोई फायदा नहीं है। हम नहर के कोई टैक्स अंग्रेज सरकार ला नहीं दन। ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है, नहीं दन, नहीं दन। पूरा कर लूँ क्या? डॉक्टर सेट सेट स्टेट गवर्नमेंट वांट ए प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑन ए महानदी प्रोजेक्ट। यू हैव टू सेंड ए पॉजिटिव प्रोग्रेस रिपोर्ट टू देम। देयर इज नो प्रोग्रेस टिल नाउ। देयर इज नो अरेंजमेंट any village. It is problem for us. But we have to send a positive report to a government. We have to collect a lot of irrigation tax and show our progress. Then what will we do, sir? Sir, अभी हम किसी गांव को नहर के कुलापा से पानी छोड़े नहीं है तो लोग पानी भरने का विरोध करेंगे। हाँ, ये भी बात है, खिलाफत तो जरूर होगा, तब सोचो क्या करना है। सर एक बात और है, ये कंडेल गांव का माल गुजार बड़ा त्रिकड़म बाज है, इसका बड़े बड़े सुराजी लोगों से मेल जोल और उठना बैठना है। पूरे धमतरी तहसील में कांग्रेस की धाक जम रही है। अच्छा, तो हम सबसे पहले उसके विलेज से ही टैक्स वसूली करने का प्लान करता है, देखता है कैसे नहीं देता टैक्स। Sir, our overseer have a good planning. Mal Gujar of a Kandel village is raising. We will torture him and punish him to damage his image. ठीक है सर, ये तो बहुत ही अच्छी प्लानिंग है। सुनो सुनो सुनो, गांव के सबो किसान मन सुनो, सबो किसान मन ला मालूम हो कि नहर आपासी लगान 15 दिन के भीतर पटा दो। जैन किसान हर नहर आपासी लगान नहीं पटा ही, सरकार ओकर माल मवेशी ला लीलाम करके लगान वसूल कर ही, एहर आखिरी मौका है हो। चलो उसके जो जो मवेशी है पकड़ के ले जाओ। जाओ। क्या करना बाबू, क्या हो गया साहब, क्या हो गया? हमारे एक दिन गाय साहब अभी जन्मे जन ले गो साहब, हमारे गाय ला जन ले गो साहब, हमारे गाय ला जन ले गो साहब, अभी अभी जन्मे साहब, अभी अभी जन्मे साहब, एक ही ठन गाय साहब जन ले गो साहब। हमार कंडेल गांव के सबो किसान नौजवान भाई और बहनी मन, आप मन के सत्य और निष्ठा ला सुन के राजिम तीर के चमसूर गांव से पंडित सुंदरलाल जी शर्मा हमर गांव में आने वाला है। सुंदरलाल शर्मा की जय। सुंदरलाल शर्मा की जय। भाइयों, आप मन से विनती हवे कि मोर जय जयकार मत करो, काबर कि एकर असली हकदार मैं नहीं हवाऊ। आप मन के त्याग और बलिदान के आगू मैं यहाँ बहुना हवाऊ। मैं आप मन के आंदोलन के प्रभाव ला विस्तार से बतावत हूँ। आपके आंदोलन तहसील ही नहीं, जिला ही नहीं, बल्कि सारा देश में कर चर्चा है। आप मन मोर संग नारा लगाओ, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मुझे तो लगता है कि ये अंग्रेज सरकार हमारे आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस की कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर केनाल और जिला कलेक्टर को हमारे आंदोलन की जानकारी हो चुकी है। हमें कुछ न कुछ सोचना होगा। क्यों भाई सप्रे जी? हाँ बाबूलो छोटे लाल जी,
परंतु यह आंदोलन दबना नहीं चाहिए, इसको और व्यापक करना होगा। मेरे तो विचार से शर्मा जी को कलकत्ता अधिवेशन में जाना चाहिए और वहां पर गांधी जी, लाला जी और अन्य नेताओं से मिलकर इस आंदोलन की गंभीरता की चर्चा करनी चाहिए और गांधी जी को किसी भी तरह से यहां पर लाना चाहिए। तब इस आंदोलन को देशव्यापी प्रचार मिलेगा और सरकार के कान खड़े होंगे। आप बिल्कुल ठीक सोचते हैं, शर्मा जी को कलकत्ता भेजना अति आवश्यक है। महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की, वंदे वंदे। हमारे कंडेल गांव के सबो भाई मान बहनी मान, हमारे गांव में अंग्रेज अत्याचार के खिलाफ देशव्यापी मुहिम के तहत महात्मा गांधी जी पधार चुके हैं। संघ में पंडित सुंदरलाल जी शर्मा, महंत जी, सप्रे जी और हमारे देशभक्त नेता मन भी आ चुके हैं। आप मन से निवेदन है कि हमारे पूज्य बापू के विचार ला ध्यान से सुनो और अपन शांति बनाए रख के अगर भाषण ला अच्छा से मनन करो। बोल महात्मा गांधी आगे आइए, बापू जी आइए आइए, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। आइए बापू जी आइए 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 आइए। अब हमारे पूज्य महात्मा गांधी जी अंग्रेजी अत्याचार के खिलाफ अपन विचार ला व्यक्त कर ही। मैंने सुना था छत्तीसगढ़ बहुत पिछड़ा हुआ है, पर यहाँ आने पर पता चला कि ये गलत है। यहाँ तो मुझसे भी ज्यादा विचारशील और दूरदर्शी लोग रहते हैं। उदाहरण के लिए जिस हरिजन और अछूतोद्धार के विचार का मैं प्रचार करता हूं, पंडित सुंदरलाल शर्मा उसे मुझसे भी पहले शुरू कर चुके हैं। इस नाते वे मेरे गुरु हुए। महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, सुंदरलाल शर्मा की जय, सुंदरलाल शर्मा की जय। मैं छत्तीसगढ़ के सभी भाई बहनों से ये आशा करता हूँ कि वे पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के इस आयोजन में, इस अचितोद्धार के इस कार्यक्रम में अपना पूरा समर्थन देंगे। वंदे मातरम। मैं सतनामी और हिंदू इनके बीच जो जहर घुला हुआ है उसके लिए हमको सतनामी भाइयों को जनेऊ धारण करना होगा और साथ ही साथ उनको हिंदू संस्कार प्रदान करना होगा, तभी ये भेदभाव धीरे धीरे मिट जाएगा। का एकर बर सब हिंदी राजी हुई? अरे क्यों नहीं राजी होंगे भाई, इस समय तो हमको एकता की जरूरत है देश में, एकता की। और आइए हम सब मिल जाएं और मिलकर अपने देश को आजादी के लिए आगे बढ़ाए। पंडित जी ठीक कहा थे, हमारे भी अपन देश के सेवा करे बर मदद करना चाहिए। ठीक है पंडित जी, हमारे पूरा सतनामी समाज आपके साथ है। इति यज्ञोपवीतं समर्पयामि स्वस्तिना इन्द्रो गृहस्रवाः, स्वस्तिना पूषा विश्ववेदाः, स्वस्तिना क्षारिष्णेमि, स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। आज की सभा में अनेक धर्मों के गुरुओं ने बैठक में निर्णय लिया है, हमारे हिंदू समाज जिन्हें छोटी जाति का और नीच जाति का कहता है उन्हें भी मंदिर में प्रवेश का अधिकार है। मैं आज से ठीक 15 दिनों के भीतर इन छोटी जाति के लोगों को लेकर राजीव लोचन मंदिर में प्रवेश करूंगा। मजिस्ट्रेट साहब, मंदिर का दरवाजा खुलवाइए, ये सभी भगवान के भक्त हैं और सभी को पूजा पाठ और मंदिर प्रवेश का अधिकार है। मंदिर ट्रस्ट कमेटी का है, उसने सरकार से प्रोटेक्शन मांगा है, इसलिए हम तुम्हें मंदिर में प्रवेश करने नहीं देने सकता। मिस्टर सुंदरलाल शर्मा मंदिर ट्रस्ट कमेटी मंदिर का मालिक है और वो बोलता है कि हम तुमको प्रवेश नहीं दे सकता। मंदिर ट्रस्ट कमेटी को अधिकार नहीं है कि वो किसी भी व्यक्ति को पूजा पाठ और मंदिर प्रवेश से वंचित कर सके। साहब, ए मल्ला हमन ए मंदिर में घुसन नहीं दन, चाहे कुछ हो जाए। क्या चाहता?
ए मंदिर ला छोड़ के कोनो दूसर मंदिर में चल जाए, हमला कोनो आपत्ति नहीं है। मजिस्ट्रेट साहब, एक ऊपर वाला के बनाए हुए इंसान यहू मने, एक रोमन के लो लाल है, और मंदिर प्रवेश में रोकना ये बहुत बड़े पाप है। मिस्टर सुंदरलाल, हमने यहाँ ट्रस्ट कमेटी से बात किया है, यहाँ पे स्थिति बहुत तनावपूर्ण है, और मैं चाहता हूँ और ट्रस्ट के कमेटी के लोग भी चाहते हैं कि आप किसी दूसरे मंदिर में प्रवेश करें। मेरे प्यारे भाइयों, इन लोगों ने यहाँ पर पुलिस का पहरा लगा के रखा है, इनको आशंका है कि यहाँ पर बलवा हो जाएगा। अरे हम लोग तो भगवान के दर्शन करने आए थे, चलिए हम लोग रामचंद्र जी के मंदिर चलते हैं, वहाँ का दरवाजा हम सभी जनों के लिए खुला हुआ है, चलिए मंदिर प्रवेश करके रहेंगे। भगवान रामचंद्र की जय। पंडित जी, मैं आप मत के बात ना नहीं काट सका हूँ, एक स्थिति में गामला खरीदत हूँ, ऐसे गामला खरीद मगर फायदा नहीं हुआ। अब काला बेचत हो, एक एक कर सब गाँव तो बेच डले हो, अपन लेका भर तो कुछ रखो। बात है महाराज, कौन संसोमा पर गए हो, आजकल बड़ उदास रही था। का बताओ पकला, संसुर गांव बिक गया, खेत खलिहान सबो खत्म हो गए, सबो खत्म हो गए। तो कहा इस महाराज, हमार छत्तीसगढ़ हो, आपके ऐसे बड़े बड़े काम काज जो है। वो तो ठीक है पकला, फिर आगे का हो। मैं हूँ महाराज, आखिर तक आप संग हो। हाँ मोर पिटुआ महाराज हो आप, अरे अरे गोदी में आप खिलाए हो महाराज। संशोधन कर महाराज, क्या संशोधन? मानवता के लिए जो ज्योति मैंने जलाई है वो बुझने ना पाए, वो बुझने ना पाए। महाराज ये क्या हो गया, हमने छोड़ के चल दो महाराज। महाराज कैसे हो गया, महाराज ये महाराज ये पगला ना छोड़ के चल दो महाराज। सुनो सुनो